5, 4, 3, 2, 1, 0. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामेश्वर थोरात प्रिय मुनि चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस दीपावली के अवसर पर मैं प्रिय मुनि चैनल के सभी सदस्य की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं दीपावली का स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी विचारधारा मिलेगी, इस वीडियो को देख के पर्यावरण निर्मल और शुद्ध रखने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा। अगर हम हमारे पर्यावरण का ख्याल रखेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और हमारे मन को भी शांति और तसल्ली मिल जाएगी, ताकि हमने इस दीपावली आनंदमय वातावरण के साथ बिताई। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे, ताकि आपको मन में ऐसा लगे कि इस वीडियो में कुछ है, देख के बहुत सारा पर्यावरण शुद्ध रखने में मदद हो गई, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आगे दिवाली नजदीक है, कृपया दिवाली में चाइना के फटाके मत खरीदना। इतना अगर संकल्प ले लोगे, मैं वादा करता हूँ लक्ष्मी आप पर बहुत मेहरबान हो जाएगी। हो गई फिर लक्ष्मी माँ की पूजा, ये संकल्प लेकर के जाना। कहना तो मुझे एक और भी है कि हम लोग हमारी संस्कृति की तौहीन करना शुरू कर देते हैं तो हम किसे कहें, हम ही हमारी संस्कृति की तौहीन करते हैं। पटाखे आते हैं, नाम क्या रखा है, लक्ष्मी बम। क्यों, क्या बिगाड़ा लक्ष्मी ने जो तुम लक्ष्मी को उड़ाते हो ऐसे बम में, क्या बिगाड़ा है? उसकी फोटो लगाते हो, जिसको एक तरफ हम पूछते हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा होगी तो लक्ष्मी मेहरबान होगी, और उसको तुम एक ही मिनट में आग लगा करके धम उड़ा देते हो, और उस लक्ष्मी के कचरे कचरे हो जाते हैं। फिर अगले दिन जाके देखो गलियों में लक्ष्मी के हाथ पैर के भी इधर कभी उधर, नाक कहीं पड़ा है, कान कहीं पड़ा है, हाथ कहीं पड़ा, पैर कहीं पड़ा, और तुम सोचते हो कि हमारे ऊपर लक्ष्मी मेहरबान होगी। कृपया थोड़ा सचेत होइए और कम से कम पटाखे ही बनाने हैं बनाइए, पर कम से कम भगवान का इस्तेमाल तो मत करिए। परमात्मा की फोटो या भगवान के नाम से ऐसी चीज़ें मत बनाइए, मिठाई के डिब्बे पर और क्या क्या, कहाँ कहाँ, और वो फिर वो भगवान कहाँ कहाँ कचरे में फेंसते घुसते जाते हैं, और फिर हमें कम कहते हैं भगवान मारे माते मेहरबान को नहीं। बाप जी आजकल भगवान दया दृष्टि करे को नहीं, भगवान दया दृष्टि करे कहीं थे खुद तो भगवान रे माते कोप दृष्टि करी उड़ी रखो, पर जो भगवान की करते दया दृष्टि करी। इसलिए जरा समझना और देश के हित में जो कार्य हो वो करना, आपकी जागरूकता चाहिए। देश के अंदर जो परंपरा गलत अगर है तो उसे बदला जा सकता है, केवल देश को जागना की जरूरत है, जनता को जागने की जरूरत है।